सत श्री अकाल जी, तो टीवी एन आर आई देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है ते मैं हाँ आशी। साल 2016 च हुए उड़ी हमले तो बाद भारत ते पाकिस्तान के रिश्ते कुछ खराब भी चल रहे सन। माहौल तनावपूर्ण चल रहा है, इतों तक कि पाकिस्तान के कलाकारों का इतने काम भी बैन हो गया। अजिहे च सोशल मीडिया से एक फोटो वायरल हो रही है, बॉलीवुड के खलनायक यानी कि संजय दत्त की फोटो वायरल हो रही है, जिस विच ओह पाकिस्तान के सबका राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ नाल दिखाई दे रहे हैं, जिस तो बाद खूब ट्रोल हो रहे हैं तो उन्होंने सवाल चुके जा रहे हैं कि यह पूरा मामला आओ देखते हैं। साल 2016 च हुए उड़ी हमले तो बाद भारत ते पाकिस्तान विचाले रिश्ते पहला वर्गे नहीं रहे। भारत च पाकिस्तानी कलाकार ते बैन भी लगा होया, उथे दे सितारियां नाल काम करन ते सख्ती हो गई है। दोवां देशां विचाले अज भी माहौल तनावपूर्ण है। अजिहे च होवे जेकर तुहानू बॉलीवुड दे खलनायक यानी संजय दत्त पाकिस्तान दे साबका राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ नाल दिखन तां हंगामा होना लाजमी है। बस यही हो गया। संजय दत्त की तस्वीर सोशल मीडिया से वायरल हो रही है, जिस च वह परवेज मुशर्रफ नाल मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। दोवां दी मुलाकात दुबई च हुई सी। इस वायरल तस्वीर को देखने तो बाद कई लोगों का कहना है कि संजय दत्त ते मुशर्रफ जिम च मिले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह अचानक मिले हैं। तस्वीर च परवेज मुशर्रफ व्हीलचेयर से बैठे हैं, उत्थे संजय दत्त किसी नाल गलबात करते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखने तो बाद कई लोगों ने परवेज मुशर्रफ की सेहत को लेकर फिक्र जताई है, उन्होंने सलामती की दुआ मंगी है। कई लोगों परवेज मुशर्रफ से संजय दत्त इकट्ठा आना वधिया नहीं लगा। एक यूजर ने लिखा कि तानाशाह जनरल मुशर्रफ संजय दत्त नाल हैंग आउट कर रहे हैं, ये की चल रहा। एक होर शख्स ने लिखा कि की बकवास है, बॉलीवुड अदाकार कारगिल के मास्टर माइंड नाल की गल कर रहे। संजय दत्त नू ड्रग्स, दारू, गन्स ते दाऊद इब्राहिम बहुत पसंद ने। ब्यूरो रिपोर्ट, द टीवी एन आर आई इंटरटेनमेंट।